जी का तो नाम लेते हैं लेकिन बसपा के नाम से पीछे भागते हैं, उठाकर बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसे नाम कई अनिल तंवर जी ने गिनाए थे अभी और साथियों ने गिनाए, अभी हमारे प्रभारी जी भी बोल रहे थे, उन्होंने भी नाम गिनाए। मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने उनका नाम लिया अब गंदे लोगों का नाम लेने से फायदा क्या? अगर हमने गंदे लोगों का नाम लिया तो खामखा हमारी जुबानी बुरा बन जाएगी, इसलिए हम उन गंदे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करते। उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता की लकीरें हमें जो है इस बीजेपी सरकार के इन गद्दार नमक हराम और खुलेआम कहता हूं देशद्रोही, इनके माथे पर चिंता की लकीरें हमने खींचनी है और वो खींचेगी तो सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत से खींचेगी। वोट की ताकत को हमें अपनाना होगा और वोट की ताकत से ही हमें इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और सोशल मीडिया का साथियों ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल इनको इनको सोचने का मौका मत दो। आज आपके भाई पे इतने केस लगे हुए और केस लग जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी के खिलाफ तो बोलता ही रहूंगा और मनुवादी के खिलाफ भी धाड़ता ही रहूंगा। अभी भी आज 3-4 तारीख थी कोर्ट में, मैं आपके बीच में समय से नहीं आ पाया और अभी लास्ट में साइबर क्राइम सेल गुड़गांव से ही आ रहा हूं, वहां पे केस में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी साहब ने बोला है कि भाई सतपाल तंवर जी इसमें तो मुकदमा दर्ज होएगा, मैंने कहा सर इच्छा है करना चाहो तो कर लो, जब आ जाओगे जब कहोगे पेश हो जाऊंगा, अंदर भेज देना, जल्दी एक ना एक दिन बाहर आएंगे फिर मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे। तो ये बड़ी सोचने की एक छोटे छोटे एक ऐसे इशू है, अगर इनको ध्यान से सोचे कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जैसा माहौल जो है हम सबके अगेंस्ट है, हम सबके खिलाफ है। और कुछ लोबी ऐसी भी तैयार होगी, अगर हम क्रांति की बात करेंगे तो कुछ लोबी ऐसी भी तैयार होगी कि जो ये कहेंगे भाई नहीं यार ये तो जो है ना बाबा साहब ने अपनी कलम की ताकत मनवाई थी, कलम की ताकत से हमें लड़ना है, तलवार की ताकत से क्या फायदा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं आपके सामने, कलम की जगह कलम मार करती है और तलवार की जगह तलवार मार करती है। मैं आपको ये बात कहता हूं, वो कैसे? अब गांधीवादी कौन होते हैं वो आपको ही पता है। अब गांधी जी ने एक बड़ी प्यारी सी सौम्य सी बात कही थी कि कोई इस गाल पे थप्पड़ मार देना तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। अब मैं कहूंगा जो इस तरह की बात करते हैं कि बाबा साहब ने कलम की ताकत की बात की थी तलवार की नहीं की थी, तो उनको मैं प्रॉपरली गांधीवादी कहूंगा। क्योंकि अगर कोई हमारे घर में घुस के कोई हमें मारे, कोई रस्ते में पकड़ के हमें पीट दे, कोई हमारे ऊपर वार करे, कोई हमें माँ बहन की गाली दे, कोई बाबा साहब के चेहरे पर कालिक पोते, कोई बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़े, कोई हमारे ऊपर वार करे, तो क्या हम कहेंगे ले भाई और तोड़ दे बाबा साहब की फोटो और दे रहा हूं मैं, ले भाई और जो है बाबा साहब की प्रतिमा पे कालिक पोत दे, ले भाई मैंने तो चेहरा आगे कर दिया दूसरा थप्पड़ और मार दे, ले भाई मैं तो पिटने के लिए बैठा हूं, सदियों से हमारा देश पिट रहा, हमारा बहुजन समाज पिट रहा है, कब होगी ये क्रांति? उठानी पड़ेगी तलवार भी, क्या काम करती है तलवार।